नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 11 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 534 पंचायत समिति भवन निर्माण में खर्च होंगे इतने करोड़। बिहार में खतियान और नक्शा का अंतिम प्रकाशन शुरू। चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुरंत ही लिया जाएगा एक्शन। अब किलकारी से जुड़ेगी 5 जिले के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं। उमरान मलिक के सिलेक्शन पर बोले कपिल देव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 534 पंचायत समिति भवन निर्माण में खर्च होंगे इतने करोड़। बिहार में पंचायत सरकार भवन के तर्ज पर प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनाने वाली है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन भवनों के निर्माण के लिए 1290 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग भेज रहा है ताकि उसे जल्द स्वीकृति प्राप्त की जा सके। योजना के अनुसार अब सभी 534 प्रखंडों में ये भवन बनने हैं। साथ ही भवन में एक हॉल भी बनेगा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह 2,42,00,000 के करीब हर एक भवन के निर्माण पर खर्च होंगे। योजना के अनुसार वित्त विभाग की स्वीकृति लेने के तुरंत बाद इस पर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद पंचायत समिति सरकार भवन बनाने के लिए जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में है और 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल में भवनावशेष को खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला जो 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में मां पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिली है। बिहार में खतियान और नक्शे का अंतिम प्रकाशन शुरू। बिहार की नीतीश सरकार बिहार में जमीन विवादों को जितना कम कर सके उसकी कोशिश में लग गई है। इसी कड़ी में अब सरकार ने बीते दिन से विशेष भूमि सर्वेक्षण वाले राजस्व गांव के खतियान और नक्शा का अंतिम प्रकाशन शुरू कर दिया है, जिससे एक बात तो अब साफ है कि इन गांव का भूमि सर्वेक्षण निर्विवाद हो गया है। राज्य में 2 चरणों में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। पहले चरण के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण अंतिम दौर में है। इन जिलों में जमीन पर काम लगभग पूरा हो गया है। विभाग का दावा है कि जल्द ही अन्य राजस्व गांव के खतियान और नक्शा का अंतिम प्रकाशन होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट से आवंटन की मंजूरी मिलने के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत पहली बार इतने उद्योगों को मिली मंजूरी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के तहत पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के लिए फल सब्जियां और मक्का प्रसंस्करण की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये मंजूरी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना अनुश्रवण समिति की बैठक में दी गई। इन परियोजनाओं में केले के चिप्स, आलू के चिप्स, मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण होगा। स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21.33 करोड़ है। इसमें अनुदान के रूप में राज्य सरकार 1.51 करोड़ रुपए देगी। हाल ही में कृषि विभाग के सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता कृषि सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने की थी, जिसमें ही उक्त निर्णय लिया गया है। अब किलकारी से जुड़ेगी 5 जिले के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं। अब किलकारी के साथ 5 जिलों के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं जुड़ने वाली है, यानी कि अब कस्तूरबा विद्यालय की छात्रों का व्यक्तित्व निखरने वाला है। इसको लेकर फिलहाल 5 जिलों के कस्तूरबा विद्यालय में बाल किलकारी की शुरुआत होने वाली है, जिसमें पटना, गया, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर जिले के कस्तूरबा विद्यालय शामिल है। सबसे खास बात यह है कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं लगातार विभिन्न गतिविधियां सीखने की मांग कर रही थी। ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किलकारी बाल भवन से संपर्क किया। किलकारी की संगीता ने बताया कि क्रिएटिव राइटिंग, कठपुतली बनाना, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लोक नृत्य आदि सिखाए जाएंगे। इसके लिए ही अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को कक्षाएं चलाई जाएंगी। सीबीएसई के इनोवेटिव स्कूलों की सूची से बिहार के सभी स्कूल गायब। हाल ही में सीबीएसई की तरफ से इनोवेटिव स्कूल की सूची जारी की गई है। बिहार में भी शिक्षा के सुधार के कई दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अफसोस अब इस सूची में बिहार के निजी स्कूल एक भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सीबीएसई की तरफ से देश भर के 21 सीबीएसई स्कूलों ने इनोवेटिव कैटेगरी में जगह बनाई है, जिसमें ज्यादातर स्कूल दक्षिण भारत, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं। बिहार की बात करें तो राज्य का एक भी स्कूल जगह नहीं बना सका है। पहली बार सीबीएसई द्वारा इनोवेटिव स्कूल की सूची तैयार की गई। इसमें उन स्कूलों को रखा गया जहां पर खेल, विज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, कला और बेहतर लैब है। बिहार की परिवहन मंत्री ने दिया इन वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश।
बिहार की सड़कों से पिछले 15 साल पुराने वाहनों को हटाने का दारोमदार अब बिहार के परिवहन मंत्री ने अपने हाथों में लिया है, जिसके तहत उन्होंने अगले 5 दिनों में बिहार की सड़कों से 15 साल से ज्यादा पुराने गाड़ियों को हटाने का आदेश जारी किया, क्योंकि बिहार में जल्द ही परिवहन विभाग स्क्रैप पॉलिसी ला रहा है। ऐसे में 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की अवधि 15 जून को खत्म होने जा रही है, जिसको देखते हुए ही उन्होंने उक्त आदेश जारी किया है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि पुरानी गाड़ियों से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता है, दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की चर्चा करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि बिहार इस सिस्टम को शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव बिहार राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपीए के पूर्व रेल मंत्री और 15वीं लोक संसद के पूर्व सदस्य रहे हैं। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश किया था और 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुने गए। वो 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1997 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चारा घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि हुई। 1997 से 2005 तक उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। उनके बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक और आय से अधिक संपत्ति और रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल के दौरान रेलवे निविदा रिश्वत घोटाले में भी कई नाम उनके सामने आते रहे हैं। दिल में छेद की समस्या से परेशान इतने बच्चों को मिली नई जिंदगी। बिहार की नीतीश सरकार बचपन से ही दिल में छेद जैसी समस्या का सामना कर रहे बच्चों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिसके तहत ही सरकार इन बच्चों का इलाज अपने खर्चे पर लगातार करवा रही है। राज्य सरकार की तरफ से दिल में छेद की समस्या से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए फरवरी 2021 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत सरकार दिल में छेद पीड़ित बच्चों की निःशुल्क जांच और इलाज कराती है। अब तक सरकार की इस पहल से एक साल में 384 बच्चों को नई जिंदगी मिली है। इनमें सबसे अधिक पटना जिले के 42 बच्चे शामिल हैं। उसके बाद वैशाली के 25 और नालंदा के 24 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। सुपौल और पूर्णिया जिले के एक भी बच्चे को योजना के तहत ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुरंत ही लिया जाएगा एक्शन। बिहार में बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद इन दिनों तेज हो गई है। बिहार की नीतीश सरकार एक एक करके मामलों को संभालने में लगी हुई है। हालांकि फिर भी बिहार में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की भद्द पिटने के बाद ही बीते दिन सीएम नीतीश ने बड़ा फरमान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी दल के हो, परिवार का हो, अगर शराब पीते पकड़ा जाता है तो उसे जेल भेजे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा है कि बिहार में 1,00,000 की जनसंख्या पर 150 पुलिसकर्मी की तैनाती को लेकर काम करे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें क्राइम के नजर बुलाई गई बैठक में कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। अगले 72 घंटे में बिहार में आ सकता है मॉनसून। बिहार में गर्मी की मार का सामना कर रहे आम लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अगले 72 घंटों में बिहार में मॉनसून की एंट्री होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मॉनसून पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंच चुका है। पूर्णिया में प्री मॉनसून बारिश होने के संकेत मिले हैं। दक्षिण बिहार के 3 जिलों को छोड़कर सभी भागों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी पटना समेत दक्षिणी भाग में उमस भरी गर्मी बने रहने का पूर्वानुमान है। इन सबके बीच मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि मॉनसून आने तक बिहार में गर्मी सताएगी। पारा 24 घंटे में 45 डिग्री पार हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में बारिश और 6 जिलों में गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है। बिहार के भोला ने रच दिया कीर्तिमान। आज के समय में YouTube चैनल लोगों को कहां से कहां पहुंचा दे रहा है। कोई अपना चैनल बनाकर नाम कमा रहा है तो कोई YouTube से काफी कुछ सीखकर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है बिहार के भोला ने। राष्ट्रीय फलक पर इतिहास रचने वाले जहानाबाद के इंटर छात्र भोला सिंह ने गांव के स्कूल में पढ़ते खेलते हुए भोला स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा। बिना किसी गुरु के अकेले ही भारोत्तोलन जैसे खेल में अपनी चमक बिखेरने में कामयाब हुए भोला बताते हैं कि इस खेल के लिए स्थानीय स्तर पर ना तो कोई प्रशिक्षक थे और ना ही माहौल, पर उनके इरादे नहीं बदले। प्रशिक्षक नहीं मिलने पर खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल होने के उपरांत YouTube का सहारा लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भोला की सफलता पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के लिए भोला कुमार को बधाई और शुभकामनाएं। पटना एयरपोर्ट पर सख्ती से करवाया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन। बिहार समेत देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यही कारण भी है कि अभी से ही सरकार ने सख्ती बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। इसी बीच अब बिहार के नीतीश सरकार के आदेश के बाद पटना एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन को फिर से लागू कर दिया गया है।
इसके तहत ही डीजीसीए ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक विमान से यात्रा करने वाले यात्री फेस मास्क पहनकर ही यात्रा कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर जो भी यात्री आते हैं वो बिना फेस मास्क के एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है। जो यात्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर बूस्टर डोज लेना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। पटना एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहती है। बिहार में अब तीसरी, पांचवी और आठवीं में हो सकती है बोर्ड जैसी परीक्षा। बिहार में बच्चे अब पढ़ाई ध्यान लगाकर करें, इसको लेकर खास तैयारी की जा रही है। अब तक तो बच्चों को दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करते देखा जाता था, लेकिन अब बिहार में तीसरी, पांचवी और आठवीं में भी बोर्ड जैसी परीक्षाएं हो सकती है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र जारी किया है और बिहार समेत अन्य राज्यों से सुझाव मांगा है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने केंद्र सरकार की चिट्ठी की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं भी दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं जैसी आयोजित की जा सकती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल ये बोर्ड परीक्षा नहीं होगी बल्कि उसके जैसी हो सकती है। इस पर अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। इन्हें मिली विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। राज्य सरकार ने बीते दिन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का काम किया है, जिसके तहत ही राज्य सरकार ने डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को दोबारा इसकी जिम्मेदारी दे दी है। उन्होंने अपना 3 साल का पहला कार्यकाल 28 फरवरी 2022 को पूरा किया था, तब उन्हें 4 महीने की अवधि के लिए 30 जून 2022 तक के लिए पुनर्नियुक्त किया गया था। अब उन्हें दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 30 जून को कार्यकाल समाप्ति के उपरांत डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को दोबारा से 3 साल और 75 साल की आयु पूरी होने तक की अवधि के लिए अध्यक्ष पद पर नामित किया जाता है। विदेशों में सामान भेजना हुआ सस्ता। अगर आप भी अब बिहार में सामान सीधा विदेश भेजना चाहते हैं तो आज की हमारी ये खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि अब बिहार से विदेश में सामानों को भेजना सस्ता हो गया है और ये हुआ है डाकघर की पहल के कारण। डाकघर की तरफ से साझा की गई विशेष जानकारी के अनुसार डाक विभाग ने विदेश में सामान भेजने पर वॉल्यूमेट्रिक वेट का चार्ज खत्म कर दिया है। इससे अब विदेश में सामान भेजने पर 15-20% कम पैसा लगेगा। पहले सामान का वजन कम रहता था लेकिन साइज बड़ा होने के कारण अधिक कीमत देनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ वजन के आधार पर पैसा देना होगा। अब बिहार में आएगी दवा कंपनी। बिहार में इन दिनों उद्योग को बढ़ावा देने का काम जोर शोर से हो रहा है। इसी कड़ी में बिहार में दवा कंपनियां भी आने वाली है। इसके संकेत शाहनवाज हुसैन ने खुद दिए हैं। बिहार में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के मामले को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और खाद्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात हुई है, जिसके बाद ही इस बात की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। इसमें ही तय हुआ है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की मौजूदगी में फार्मा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ जुलाई में भी एक बैठक होगी और बिहार में बने उद्योग के माहौल में राज्य में फार्मा सेक्टर के उद्योग भी स्थापित होंगे। इसके लिए पहलुओं पर गंभीरता से विमर्श होगा। बिहार में पेयजल टैक्स लगाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में सरकारी कनेक्शन वाला पानी अब मुफ्त में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर टैक्स की 5 श्रेणियां बना दी गई है। इसको लेकर ही प्रदेश के सभी नगर निकायों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। जो लोग 1,000 रूपये तक प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उन्हें हर महीने 40 रूपये और सालाना 480 रूपये वाटर टैक्स वसूला जाएगा। 1,001 से 2,000 तक प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से 65 से 780 रूपये सालाना टैक्स लगेगा। वहीं 2,001 से 3,000 प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से 120 मासिक और 1,440 सालाना टैक्स वसूला जाएगा। 3,001 रूपये से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से 150 रूपये प्रति महीना और 1,800 रूपये सालाना पानी का टैक्स वसूला जाएगा। तेज प्रताप यादव ने अपने ही छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए आरोप। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार पर भी बीते दिन गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके तहत उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के संघर्षशील छात्र नेता विक्रांत रॉय पर छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार द्वारा जानलेवा हमला किया गया। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पार्टी से बर्खास्त करने का आग्रह करता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमार पर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता विक्रांत रॉय ने मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। नितिन नवीन पर हमला। इन दिनों बड़े बड़े चेहरों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कुछ समय पहले ही किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद अब बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बीते दिन बाल बाल बचे। मिली जानकारी के अनुसार नितिन नवीन रांची निजी कामों से गए हुए थे। यहां असामाजिक तत्वों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया,
गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने नितिन नवीन को प्रदर्शनकारियों की भीड़ से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर ले गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसक रूप ले रहा है। झारखंड में जुम्मे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन हो रहा है। नितिन नवीन पर हुए हमले का भी कारण इसी को माना जा रहा है। राज्यसभा के बाद गया आरसीपी सिंह का बंगला भी। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा टिकट नहीं मिलने के बाद एक और बड़ा झटका लगा है, जिसके तहत ही बिहार सरकार की तरफ से आरसीपी सिंह ने पटना स्थित बंगला भी खाली करने का आदेश ले लिया है। आरसीपी सिंह का बंगला अब बिहार के मुख्य सचिव संजय कुमार को अलॉट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पिछले लगभग 12 सालों से पटना स्थित बंगले में रह रहे थे, मगर अब उन्हें इसे खाली करना पड़ेगा। पिछले दिनों जदयू ने उनका राज्यसभा का टिकट भी काट दिया था। उनकी जगह पार्टी ने खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया और वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राजद सुप्रीमो के बर्थडे पर पार्टी गरीबों को खिलाएगी खाना। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का मौका है, तो राजद खेमे में उत्साह होना लाजमी है। वहीं राजद की तरफ से उनके सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर बड़ी तैयारी की गई है, जिसके तहत ही राजद इस दिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाएगा। तो विधायक तेज प्रताप यादव इसी दिन से लालू पाठशाला की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आज के दिन को राजद सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाते देखे तो जाएंगे ही, साथ ही गांव और मोहल्लों में गरीबों को भोजन कराया जाएगा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। राजद के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इच्छानुसार 1964 में उनकी अस्थियों को भस्म पूरे देश में बिखेरी गई। पहली बार अश्वेत समुदाय के एबट पॉल बोटेग और बर्नी को 1987 को ब्रिटेन में संसद सदस्य चुना गया। फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाडसेनिया करासे को 2007 में राजधानी सूबा में प्रवेश की इजाजत मिली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से इसे जाना जाता था। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में हुआ। भारतीय विधिवेत्त, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े का जन्म 1909 में हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 में आज के दिन हुआ था। भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला का निधन 11 जून 1983 को आज के दिन हुआ था। उमरान मलिक के सिलेक्शन पर बोले कपिल देव। उमरान ने आईपीएल 2022 में लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की। उन्होंने सबसे तेज गेंद 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। रफ्तार से गेंदबाजी करने के साथ ही वो आईपीएल के इस सीजन में 22 विकेट लेने में भी सफल रहे। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 की सीरीज के लिए टीम इंडिया से बुलावा आ गया है। हालांकि 22 साल के इस गेंदबाज को पहले T20 में डेब्यू का मौका नहीं मिला। कपिल देव भी उमरान की रफ्तार से काफी प्रभावित है, लेकिन उन्होंने इस गेंदबाज को सलाह दी है कि वो अपनी इकोनॉमी रेट को कम रहने पर काम करे। कपिल देव ने अनकट यूट्यूब चैनल पर कहा कि उमरान के सिलेक्शन में मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये बहुत जल्दी है। आपको उसे इस स्तर पर किसी भी खिलाड़ी को कम से कम 2-3 साल का वक्त देना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अब जोड़ सकेंगे इतने मेंबर। व्हाट्सएप ने अपने सभी यूजर को अब बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत ही अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोगुना मेंबर्स को जोड़ सकेंगे। दरअसल व्हाट्सएप अब ऐप के लिए एक नया अपडेट जारी कर रहा है, जो यूजर को अधिकतम 512 मेंबर्स के साथ एक ग्रुप बनाने की अनुमति देता है। वर्तमान में ये लिमिट 256 मेंबर्स के लिए निर्धारित है और अब व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मेंबर्स की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। इस फीचर की घोषणा मई में अन्य फीचर के साथ की गई, जैसे ग्रुप चैट में 2 GB का फाइल शेयर करना, मैसेज रिएक्शन पर बहुत कुछ। एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप के लिए हाल ही में सभी यूजर के लिए रिएक्शंस और 2 GB फाइल शेयरिंग को रोल आउट कर दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है शबनम कुमारी, मनीष मल्होत्रा, मुक्तेश्वर यादव, आतिक खान, रंतोष कुमार, कल्याणी चौधरी, विवेक कुमार, बीना देवी, उजाला चौधरी, उमेश कुमार, ध्रुव कुमार, अमन कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बतौर मुख्यमंत्री आपके सबसे पसंदीदा नेता कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।